दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक एमएस मोहित। तो दोस्तों, क्या आपने कभी एक साल के अंदर 13 बार रिचार्ज कराया है? आपको ये सोच के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि मंथली रिचार्ज होते हैं तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि 13 बार मैंने कैसे रिचार्ज करा दिया। तो अब जरा इस पे गौर करिएगा, कभी जब से टेलीकॉम कंपनियों ने 28 दिन की बाध्यता के साथ मंथली प्लान को दिया है, तब से जब हर मंथ में से आप 2 दिन घटाते जाएंगे, कोई कोई मंथ 31 का होता है, उसमें से 3 दिन घटाएंगे, तो इस तरह आप 13 बार रिचार्ज कराते होंगे एक वर्ष में। तो जिस पर ट्राई ने बोला था कि इसे बंद कर दिया जाए और कम से कम मंथली नाम पे जो भी आप टेरी बाउचर बेच रही हैं कंपनियां, उसमें आपको 30 दिन या 31 दिन का वैलिडिटी दिया जाए, तो सभी कंपनियों ने, जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने भी अपना 30 दिन का एक प्लान लॉन्च कर दिया है। तो मैं आपको बारी बारी से तीनों कंपनियों के बताऊंगा वो किस प्राइस में दे रहे हैं और आपको क्या क्या सुविधा मिलती हैं। तो सबसे पहले जियो की बात कर लेते हैं। तो जियो में आपको 259 यानी 259 रुपए का आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा। उसमें आपको क्या है कि अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगा और 1.5 GB डाटा पर डे मिलेगा और 100 SMS प्रतिदिन मिलेगा। और इसकी वैधता कंपनी 30 या 31 दिन नहीं दर्शाती है, सीधे सीधे 1 month लिखती है। इसका मतलब जिस भी माह में 30 दिन होंगे उस महीने में आपको 30 दिन की मिलेगी, और जिस माह में आपको 31 दिन होते हैं उस महीने में आपको 31 दिन की वैधता मिलेगी। अब अगर एयरटेल की बात कर लेते हैं, तो एयरटेल ने भी एक मंथली प्लान को निकाला है नया, जिसमें कि आपको 319 यानी 319 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि जियो से अधिक डाटा आपको मिलता है, यानी 2 GB प्रतिदिन आपको डाटा मिलेगा, प्लस अनलिमिटेड कॉलिंग तो रहेगी ही सारे नेटवर्क पे, और आपको 100 SMS प्रतिदिन फ्री मिलते हैं। और एयरटेल ने भी इसका वैधता में 30 से 31 दिन नहीं दर्शाया है, सीधे सीधे 1 month लिख रहा है। इसका मतलब वही है कि जैसे जियो में आपको जिस माह में जितने दिन रहेंगे उस माह में उतने दिन आपको वो मिलेंगे उस हिसाब से। अब VI की बात कर लेते हैं। जैसा कि वोडाफोन आइडिया का, तो इन्हीं दोनों कंपनियों को देखते हुए VI ने भी अपना एक प्लान निकाला है 31 दिन का। वो आपको पड़ेगा 337 का यानी 337 रुपए का। इसमें आपको क्या है कि इसमें आपको प्रतिदिन डाटा तो नहीं मिलेगा, एक ही बार आपको 28 GB डाटा मिल जाएगा। प्रतिदिन वाला इसमें झंझट नहीं, आपको एक ही बार 28 दिन का डाटा आपको मिल जाएगा 28 GB। अब उसको आपको 31 दिन यूज करना है, मतलब आप मान कह सकते हैं एक तरह से 1 GB के पर डे के हिसाब से आपको मिल जा रहा है, लेकिन प्रतिदिन नहीं मिलेगा, एक ही बार आपको मिलेगा। और साथ में अनलिमिटेड कॉलिंग तो आपको मिलेगी ही, और 100 SMS भी आपको मिलेंगे। लेकिन वैधता की बात किया जाए तो VI ने सीधे सीधे वैधता में दर्शाया है 31 दिन का, यानी आप कभी भी रिचार्ज कराएंगे आपको 31 दिन वैधता मिलेगा। अब वैधता की बात कर लेते हैं, तो जियो और एयरटेल की वैधता की बात करते हैं कि उन्होंने सीधे सीधे 1 month लिखा है, लेकिन अब देखना ये होगा कि वो 1 month में क्या काउंट करते हैं, 30 दिन या 31 दिन, क्योंकि बहुत बार ऐसा जरूरी नहीं है कि अब जिस दिन महीना स्टार्ट होता है उसी दिन सारे लोग रिचार्ज कराएंगे, कुछ लोग बीच में रिचार्ज कराएंगे, तो उनकी वैधता के लिए कंपनी क्या चूज करेगी, 30 दिन या 31 दिन, तब तो रिचार्ज कराने की बात ही पता चलेगा। लेकिन तीनों कंपनियां ने अपना एक एक प्लान 31 दिन का, मान के चलिए महीने भर का प्लान निकाल दिया है, जो कि इजीली ढंग से आप रिचार्ज करा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।